आप अपने कमाए हुए धन को खराब कर सकते हैं। बहुत ही संभल कर रहना है। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। ग्रहों के द्वारा बनने वाले अशुभ योग हमें हानि देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि हमें आने वाली मुसीबतों से बचना चाहिए। परेशानियों को अगर वक्त पर जान लें, परेशानियों को अगर वक्त पर पहचान लें, तो हर एक इंसान के लिए राहत की बात है। नुकसान कम होगा या नुकसान बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा भी संभव है अगर आप वक्त पर जागे तो। वक्त रहते सावधानियां और उपाय कर लिए तो काफी हद तक सुधार हो जाएगा, ये बात बिल्कुल सत्य है। यही ग्रह हमें अच्छा फल देते हैं, यही ग्रह हमें बुरा फल देते हैं। इसी प्रकार हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। कभी भी मुसीबत आ सकती है तो कभी भी खुशी आ सकती है। तो आइए जानते हैं, जब कुछ ग्रहों का अशुभ संयोग आपके जीवन में कुछ परेशानी दे सकता है, वो परेशानियां क्या होंगी, कैसे इससे बचा जाएगा, कैसे इसका उपाय होगा, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति मजबूत है तो आपको परेशानियां कम होंगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति कमजोर है तो परेशानियां ज्यादा भी हो सकती हैं। और वक्त रहते अगर आपने समझदारी दिखाई, उपाय किए, तो मुसीबतें कम हो जाएंगी। यह जो जानकारी है वह चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। महिला हो पुरुष हो, सभी के लिए यह जानकारी है। डरना नहीं है, बचने के लिए प्रयास करने हैं और अलर्ट रहना है। तो आइए शुभारंभ करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अपने घर में सुरक्षित होंगे, और आप सभी के लिए, आप सभी के परिवार के लिए मैं ईश्वर से मंगल कामना करता हूं कि आप लोग सुखी रहें, सुरक्षित रहें और इस महामारी के दौर को जैसे तैसे हरा कर एक अच्छे जीवन की तरफ आगे बढ़ें। ये ईश्वर से प्रार्थना है मेरी। शुरुआत करते हैं आपकी राशि से। मिथुन राशि, 12 तारीख सुबह 6:30 को चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और 13-14 तारीख शाम 7:30 तक इसी राशि में रहेंगे। चंद्रमा हर 2.25 दिन में लगभग अपनी राशि बदलते हैं, सबसे तेज चलने वाले ग्रह हैं। आपकी राशि के लिए चंद्रमा 12वें भाव में बैठेंगे। 12वें भाव में चंद्रमा का बैठना ही अपने आप में एक अशुभ संकेत है। चंद्रमा के साथ राहु होंगे, बुध होंगे, शुक्र होंगे, यानी कि 4 ग्रह हो गए एक साथ 12वें भाव में। तो यहां पर जड़त्व दोष भी बनेगा, ग्रहण दोष भी बनेगा और लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा। तो आइए जानते हैं ग्रहों ने क्या जाल बुना है आपके लिए, क्या संकेत दे रहे हैं आपको, कैसे हमें बचना है और क्या परेशानियां आने वाली हैं। आंखें बंद कर लेने से मुसीबतें कम नहीं होंगी, समझ कर कम होंगी, जान कर कम होंगी, उपाय करके कम होंगी। ये जो दिन है 12 तारीख की शाम 6:30 से लेकर 14 तारीख की शाम 7:30 तक, आप इस समय में जो भी काम करेंगे उसमें कड़ी मेहनत के बावजूद आपको अच्छे रिजल्ट नहीं प्राप्त होंगे। मेहनत के बाद कमाई कम होगी, मेहनत के बाद भी निराशा हो सकती है या बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, नुकसान उठाना पड़ सकता है, आपका खर्चा खुद पर, अपने परिवार वालों पर अधिक हो सकता है, उनकी जरूरतों पर, परिवार की जरूरतों पर, परिवार की परेशानियों पर, बीमारियों पर खर्चा बढ़ सकता है, अचानक से तकलीफ हो सकती है जिसकी उम्मीद ना की हो, आपके ऊपर झूठे आरोप लग सकते हैं, मुकदमेबाजी कोई चल रही है तो फिर उसमें भी तकलीफ हो सकती है, मानसिक चिंता, परेशानी, अनिद्रा, रात की नींद गायब हो सकती है, आप कभी बहुत ज्यादा उतावले हो जाएंगे,
क्रोधी हो जाएंगे, जुबान पर कंट्रोल नहीं रहेगा और नुकसान कर बैठेंगे। आप तंत्र मंत्र के शिकार हो सकते हैं इस समय। आपके दोस्त रिश्तेदार आपको हानि पहुंचा सकते हैं इस समय। आप अपने अतीत यानी जो बीत चुका है उसको सोचकर सुधरने की बजाय अपने वर्तमान को और अपने भविष्य को खराब करेंगे। अपने दुख में दुखी होंगे और दूसरों के दुख में भी दुखी होंगे। तकलीफ है, मानसिक तनाव, सरदर्द, माइग्रेन या दिमाग से संबंधित कोई परेशानी शुरू हो सकती है, पहले से है तो बढ़ सकती है। तकलीफ, टेंशन, उल्टा सीधा बोलना, छोटे बड़ों का लिहाज ना करना, ऐसी तकलीफें आपके साथ घट सकती हैं इन तारीखों में। बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। जो भी काम करेंगे वो बोझ लगेगा, जबरदस्ती करेंगे, मन से नहीं करेंगे तो काम बिगड़ेंगे भी, डिले भी होंगे। आपके गुप्त प्रेम संबंध बन सकते हैं या कोई पुराना प्रेम संबंध या कोई पुरानी दोस्ती एकदम से दुनिया के सामने या आपके सामने आकर मुसीबत का कारण बन सकती है। आप अपनों से अलग हो सकते हैं, परिवार की नजरों में कोई ऐसी हरकत करके गिर सकते हैं। आप निराशावादी हो सकते हैं, आपको लगेगा मेरे अंदर दम नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मन की शांति नहीं होगी, दिखावा कर सकते हैं, दिखावे के चक्कर में पैसे और वक्त का नुकसान कर सकते हैं। आपके परिवार में तनाव हो सकता है, आपके जो सगे संबंधी हैं उनकी वजह से आपको परेशानियां हो सकती है। आपके सर पर बे वक्त कोई ना कोई तकलीफ हो सकती है। गलत संगति आपकी, आपकी संतान की हो सकती है, या आप गलत संगति में पड़ जाएंगे, बुरी आदत डाल लेंगे। आपको नशे से बचना होगा। राजनीतिक जीवन जिनका भी है वो ठीक रहेगा। आप अपने इमेज को, अपने स्तर को नीचे गिरा सकते हैं। आप अपनी जो अच्छी छवि बना के रखी हुई थी उससे नीचे गिर सकते हैं। पारिवारिक कलह, रिश्तों में कलह से बचना होगा। शत्रु से भी बचना है, अनावश्यक फालतू के खर्चों से भी बचना है, बुरी सोच से बचना है, बुरे लोगों से बचना है, नंबर दो के कामों से बचना है। ये वक्त छोटे बच्चों की भी परेशानियों का कारण बनेगा। तो बच्चों की सेहत का ध्यान रखना है, बच्चों को चोट चपेट ना लगे, बच्चों को कोई परेशानी ना हो, इसका भी ख्याल रखना है। पेट का ख्याल रखना है, पेट दर्द हो सकता है, गैस, एसिडिटी हो सकती है। बॉस या सहकर्मी या आपके साथ काम करने वाले लोगों से हर शब्द सोच समझ कर बोले, अपना काम ईमानदारी से करें, पूरा करें। आपकी एक गलती आपको परेशान कर सकती है जीवन में आने वाली खुशियों को, आपकी एक गलती कम कर सकती है। मन में उल्टे सीधे विचार आ सकते हैं। आप अपने कमाए हुए धन से संतुष्ट नहीं होंगे, कई बार आप ईर्ष्यालु भी हो सकते हैं, कई बार विचलित हो सकते हैं, कई बार जो करना है उसको छोड़कर कुछ और करने की तरफ सोच सकते हैं, गप्पे मार सकते हैं, ख्याली पुलाव बना सकते हैं। आप अपने कमाए हुए धन को खराब कर सकते हैं, बहुत ही संभल कर रहना है। यहां पर चंद्रमा खराब स्थिति में है, जड़त्व दोष भी है, तो भगवान शिव की उपासना, आपकी माता का आशीर्वाद, देवी का आशीर्वाद लेना, दुर्गा, मां दुर्गा का आशीर्वाद लेना, पूजा पाठ करना, घर में मन ही मन में ओम नमः शिवाय मंत्र का यथासंभव जाप करिए, इस समय में सुबह शाम करिए, घर में बैठकर ध्यान लगाइए, योग प्राणायाम करिए ताकि दिमाग शांत रहे, हनुमान चालीसा पढ़िए,
लॉकडाउन है, मैं आपको कोई ऐसा उपाय नहीं बताऊंगा जो घर से बाहर निकलकर करने का हो, घर में करिए। भगवान विष्णु की उपासना करिए, नारायण नारायण नाम का शब्द जपते रहिए, मन ही मन जपते रहिए, कष्ट कम हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में पैसा कमाने के आप प्रयास करेंगे लेकिन गड़बड़ हो जाएगी। आप अच्छा करने का प्रयास करेंगे, सामने वाला गलत समझ बैठेगा। ऐसा नहीं होगा कि लक्ष्य नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने में तकलीफें आई। ओम नमः शिवाय जपते रहिए, हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए, कल्याण ही कल्याण है, नारायण नारायण जपते रहिए। और अपनी जन्म कुंडली की विवेचना कराइए, कब मुझे सुख मिलेगा, मैं दुखी क्यों हूं, मेरे बच्चे कब सफल होंगे, मेरी पत्नी का रोग कब दूर होगा, कब मैं स्वस्थ होऊंगा, कब मेरे परिवार में खुशियां आएंगी, कब मेरी शादी होगी, कब मेरे बच्चों की शादी होगी, कब मेरे परिवार में खुशियां आएंगी, बिजनेस जो बंद हो गया है चल नहीं रहा है कब चलेगा, क्या कोई नया व्यापार करना पड़ेगा, पैसा है नहीं, क्या करूं मैं, आगे का रास्ता क्या है, कैसे सफलता पाऊं, ये प्रश्न मन में है तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं और जानिए कि कल आपके साथ कैसे अच्छा हो सकता है, कैसे आप कुछ बढ़िया कर सकते हैं। नमस्कार।